जैसे कि वी ऑल नो दैट एवरी ईयर प्रीलिम्स का पैटर्न काफी थोड़ा चेंज हो रहा है एंड इट इज बिकमिंग बिट डिफिकल्ट. एज वी नो दैट प्रीलिम्स हैज टू मेजर पोर्शंस दैट इज स्टैटिक एंड करंट. सो आई फोकस मेजरली ऑन स्टैटिक. आई मेड दैट वेरी स्ट्रांग सो दैट आई डू नॉट फॉल्टर ऑन दोज क्वेश्चंस. एवरी डे मॉर्निंग व्हेन आई यूज टू वेक अप I would practice CSAT for half an hour, not more than half an hour, but I would start practicing. So मैं topic select करती थी और मैंने quantitative aptitude पे ज़्यादा focus किया था. देखिए हमारा बहुत बड़ा देश है और UPSC एक अकेली संस्था है. इसके पास इतने बड़े स्तर पर exam कराने के लिए उनको अगर सारी जनता को सूक्ष्म रूप से देखना हो तो संभवतः बहुत कठिन होता. तो एक उन्होंने एक पहला एक फिल्टर सा लगा दिया है, मोटा वाला फिल्टर जिसको कह सकते हैं आप, वो है फिल्टर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, प्रारंभिक परीक्षा या PT जिसको पॉपुलरली कहते हैं, उसका एक फिल्टर लगा रखा है ताकि उससे छन कर कुछ थोड़े से लोग बच जाएं जिनको वो गहन रूप से जांच कर पाएं. आई सपोज योर वाइड रीडिंग इज बीइंग टेस्टेड और इट बिकम्स बेसिस फॉर यू to be selected or not selected or eliminated, whatever you want to call, for this particular examination is going to happen at the next level. Iske alawa wo aapko ye bhi check karte hain PT ke level par ki aapki choices kitni effective hain, how correct is your choice, because aap mein se jo logon ne jin logon ne is exam ko follow kiya hai unhe pata hogi ye baat ki ab UPSC bahut difficult question nahi poochti hai. They give very close choices. चॉइसेस बड़ी डिफिकल्ट होती हैं उनको. इन्होंने एक नेगेटिव मार्किंग का एंगल डाल रखा है PT के एग्ज़ाम में ताकि वो ये चेक कर पाएँ कि आपका रिस्क कोशियंट क्या है, जो कि आपकी पर्सनालिटी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है. रिस्क कोशियंट से मेरा अभिप्राय है यहाँ पर ये कि आप क्या अपनी जानकारी के ऊपर विश्वस्त हैं, उसके आधार पर आप रिस्क ले सकते हैं कि नहीं. क्योंकि जब आप वास्तव में एक सिविल सर्वेंट बन जाते हैं तो आपको बहुत सारे कैलकुलेटेड रिस्क लेने होते हैं, निर्णय लेना होता है. यहाँ पर आपको नेगेटिव मार्क्स डाल करके वो ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि एक ऐसे व्यक्ति को सेलेक्ट करते हैं जिसमें रिस्क लेने की क्षमता है, बट रिस्क लेने की क्षमता एक सीमा से ज़्यादा ख़राब होती है और एक सीमा से नीचे भी ख़राब होती है. तो आपका रिस्क कोशियंट क्या है उसको भी चेक किया जाता है आपके PT एग्जामिनेशन में, जिसे लोग एलिमिनेशन का एग्ज़ाम कहते हैं. कुछ साल पहले CSAT को जोड़ दिया गया है. यहाँ पर CSAT आपके डाइवर्स मेंटल फैकल्टी हैं उनकी जांच करता है, आपके न्यूमेरिकल कॉम्प्रिहेंशंस एंड रीजनिंग और ये सारे ऐसे जो चीज़ें हैं उनकी जांच करता है. अर्थात इट इज़ नॉट ओनली द फैक्ट्स दैट दे आर लुकिंग एट, नॉट ओनली द एनालिटिकल स्किल्स दे आर लुकिंग एट, दे आर ऑल्सो लुकिंग एट योर ऑब्जेक्टिव फैकल्टीज ऑफ द माइंड. आपको यहाँ अंडरलाइन करना चाहूँगा कि CSAT को कई बार लोग एक ऐसे सब्जेक्ट के रूप में देखते हैं जिसमें वो समझते हैं कि जो ट्रेंड चल रहा है उस ट्रेंड की लाइन को थोड़ी सी और आगे बढ़ा देंगे तो CSAT हो जाएगा. आपको सबको पता है कि UPSC में एक ही ट्रेंड चलता है और वो ट्रेंड है नो ट्रेंड का. नो ट्रेंड का ही ट्रेंड चलता है और CSAT उसका फाइनेस्ट एग्जाम्पल है. So if you are trying to look for something which is where you can extrapolate your previous trend of preparation for CSAT aur agle saal usi kadi mein aage hoga, mere khayal mein ye galat hoga, aisa kabhi mat kare. And CSAT ko kai baar log samajhte hain ki ye badlega nahi, ye badlega, badalta rehta hai. Aur ek samasya jo mujhe baar baar mili hai logon mein ki unhone CSAT ko ek pura ka pura ek entity mana hai. CSAT पूरा CSAT थोड़ी है. CSAT में तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं. CSAT में फ़र्ज कर लीजिए आपकी न्यूमरेसी है, उसमें अंदर चले जाएँ तो प्रोबेबिलिटी है, परसेंट है और कॉम्प्रिहेंशन है, डिसीजन मेकिंग है, रीजनिंग है. CSAT एक बहुत ही एक्लेक्टिक आस्पेक्ट्स का कलेक्शन है. तो यू शुड नॉट कंसिडर CSAT एज वन एंटिटी. और ऐसे लोग कह के बैठ जाते हैं कि हमारा CSAT कमज़ोर है. नहीं, कभी भी आप CSAT को CSAT की तरह मत देखें. अपने आप को ऐसा मत सोचे कि CSAT मेरा कमज़ोर है तो CSAT के लिए काम किया जाए. CSAT के आस्पेक्ट्स को देखें, उसके फेसेट्स को देखें, उसके कंपोनेंट्स को देखें और फिर उसके बाद डायग्नोस करें कि वहाँ पर
कौन सा एरिया है जहां मुझे कमी आती है, दिक्कत आती है? इफ यू हैव अडॉप्टेड द राइट टाइम एंड देन यू स्टार्ट वर्किंग टूवर्ड्स इट, आपकी टेक्निक एंड स्पीड का सिंक हो जाता है. कई बार टेक्निक पता है लेकिन स्पीड नहीं है, कई बार स्पीड है लेकिन टेक्निक नहीं है. तो अगर इन स्पीड और टेक्निक का सिंक करना चाहते हैं तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू स्टार्ट अर्ली, क्योंकि आप कभी भी ऐसा नहीं कर सकते हैं कि एक एवरेज ट्रेंड पे तैयारी करके, एक एक्स बार पे तैयारी करके आप सीसेट का एग्ज़ाम निकाल लें. यू हैव टू हैव लॉट ऑफ रेंज, लॉट ऑफ मार्जिन, लॉट ऑफ स्कोप कि सीसेट का इतना क्वालिफाइंग मार्क्स है, मैं इस क्वालिफाइंग मार्क्स पे कभी एम नहीं कर रहा हूँ, इसके मच मच बियॉन्ड मैं एम कर रहा हूँ. और होलसम कवरेज, इंटायर सेगमेंट का कवरेज, ये बहुत वाइटल होता है. इफ यू जस्ट कवरिंग ए स्मॉल एरिया, यू आर नॉट कवरिंग द इंटायर सेगमेंट्स ऑफ द सी साइड. आई थिंक देर इज ऑलवेज मिसकैलकुलेशन का एक प्रॉब्लम कि अरे मैं तो सोच रहा था कि इससे इतना बना लूँगा, इससे इतना बना लूँगा, इसका लेवल बहुत ऊपर चला गया और इससे क्वेश्चन नहीं आए, तो ये मिसकैलकुलेशन हो जाएगा. आई वुड रिकमेंड ऑल ऑफ यू हु आर वॉचिंग दिस वीडियो राइट नाउ, सो मेनी मंथ्स अवे फ्रॉम द एक्चुअल एग्जामिनेशन, यू शुड अलोकेट सम टाइम, थोड़ा सा टाइम अलोकेट कर दें एंड उस जो सीसेट के इश्यूज़ हैं उनके एरियाज़ को आइडेंटिफाई कर लें, जहाँ आपको ज़्यादा काम करना है वहाँ थोड़ा टाइम अलोकेट करते रहें. और इट शुड बी, इफ नॉट डेली, इट शुड बी हैविंग ए फ्रीक्वेंसी ऑफ पर वीक. और एक बार जब आप बहुत ज़्यादा आगे निकल गए हो एवरेज से, तब आप इसको थोड़ा स्लो कर सकते हैं. फिर भी मैं चाहूँगा कि हर वीक यू शुड हैव सम टाइम अलोकेटेड फॉर सी सेट एग्जामिनेशन. Everybody is recommending that you should read newspaper. In fact, I'm also one of those people who always advises that read newspaper. आज हम बात करेंगे कि न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ें. कैसे पढ़ने का एक तरीका बताऊं कि जैसे आपने टिक कर लिया न्यूज़पेपर को कि मुझे इतना पढ़ना है और ये वाले आर्टिकल्स पढ़ने हैं, तो आई वुड लाइक यू टू नॉट रीड द होल आर्टिकल विद द फुल कंसंट्रेशन. एक एक्टिव रीडिंग की हैबिट डालिए. एक्टिव रीडिंग में अगर कोई टॉपिक आ गया है एंटी डिफेक्शन पे, तो आप उसमें ढूंढने की वो स्टोरीज एंड एलैबोरेशन एंड एनालिसिस एंड ऑल काइंड ऑफ थिंग्स दैट दे मे हैव गिवन, उसमें ढूंढो कि ये कौन सा फैक्ट है जो मुझे इसमें से ढूंढना है. और जब ढूंढने के नज़र से आप पढ़ेंगे तो न्यूज़पेपर से जो टाइम लगता है पढ़ने में वो बहुत कम हो जाएगा. ऑलवेज ट्राई टू लोकेट लाइक दिस, आई मीन एंड देन वेर यू फाइंड दैट दिस अ फैक्ट, दिस एन इंफॉर्मेशन व्हिच यू नीड टू बी लर्निंग, कंसंट्रेट मोर. Because what happens, if you read the entire article with the same concentration, lot of valuable points would go away and your mind is likely to also drift in between. But agar ek khoji pravritti aap develop kar lete hain, ek inquisitive mind develop kar dete hain, and then when you are reading newspaper, you will be very much benefited. In fact, iska aur ek bada fayda bhi hai. देखो आजकल सी सैट में बहुत सारे लोग कंप्लेन करने लगे हैं कि सी सैट में जो कॉम्प्रिहेंशन हैं वो बड़े डिफिकल्ट होते हैं, नहीं होता है. एंड द रीज़न व्हाई दे आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट इज दैट दे हैव बीन करप्टेड, इफ आई कैन यूज द राइट वर्ड हियर, दे हैव बीन करप्टेड बाय स्पून फीडिंग ऑफ द फास्ट फूड दैट दे गेट इन द फॉर्म ऑफ कोचिंग मटीरियल बुलेटेड. बोलते हैं कि ये लो हिंदू का ये एक पेज में, आधे घंटे में हिंदू, 10 मिनट में हिंदू, एंड दे जस्ट गेट द बुलेटेड पॉइंट्स. समबडी प्रोसेसेस देम एंड देन गिव दोस. आपकी भूख मिट सकती है शायद फास्ट फूड खाने से, बट उससे न्यूट्रिशन आपका की पूरी नहीं होती है. और आप चूंकि न्यूज़पेपर ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, आपका कॉम्प्रिहेंशन वीक हो गया है. तो जब मैं ये बता रहा था कि खोजी प्रवृत्ति से आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, ना केवल आप टाइम बचा लेंगे, कंसंट्रेशन हाई हो जाएगा, पिन पॉइंटेड स्टडी करेंगे, बल्कि आपका कॉम्प्रिहेंशन भी बेटर होगा. बहुत सारे लोग आपकी जनरेशन में मैं जानता हूँ फाइंड इट डिफिकल्ट टू डू कॉम्प्रिहेंशन इज लार्जली बिकॉज दे हैव बीन ओनली यू ईटिंग फास्ट फूड. वो प्रोसेस मटीरियल कोचिंग इंस्टीट्यूट के या फिर बहुत यूट्यूब से या कहीं से भी वो ऐसे सारे बुलेटेड पॉइंट्स उठाते हैं, वो उठ तो जाते हैं, आसान भी होता है, बेहतर भी होता है, क्विक भी होता है, बट अल्टीमेटली उनका कॉम्प्रिहेंशन जो अपना विकसित होता है, जो आर्टिकल ओरिजिनल फॉर्म में पढ़ रहे होते, वो रह जाता है.